मैम, जो हरियाणा में सुबह बीजेपी के हालात थे, फिर अचानक जो बदले और अभी बीजेपी इतनी आगे चल रही है, तो इन रुझानों पर क्या बोलना चाहोगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि इसमें रुझानों से रिलेटेड हमें कहीं पर भी कोई रत्ती भर भी हमें इस बात से आशंका नहीं थी कि हम नहीं आ रहे हैं। हम लोग तो शुरुआत से वहीं थे और हम वहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं हम लोगों ने अपने ही घर पे खड़े थे। हरियाणा हमारा अपना घर है और हम लोगों ने अपना कोई हमारा कमबैक तो है ही नहीं उस पॉइंट पर। हम वहीं पर हम कभी गए नहीं, क्योंकि हमारे लिए प्रो इनकम्पेंसी का जो प्रो कंपेंसी था वो था ही था और वो हमेशा सही था। तो लोगों ने ये जो झूठ कांग्रेस झूठ फैलाता है एंटी इनकम्पेंसी का, ये इस तरीके से जाल फैलाता है। और ये जो हिंदू मुस्लिम करना, कास्ट बेसिस पे करना, ये हरियाणा ने दिखा दिया कि आप हरियाणा के हिंदुओं को बांट नहीं सकते। हरियाणा भाजपा के साथ खड़ा है, था और हमेशा रहेगा। जैसे मध्य प्रदेश खड़ा था वैसे हरियाणा खड़ा है, और ऐसे ही लोकसभा के अंदर मोदी जी रहे और वो दोबारा से तीसरे स्टॉम में आए। क्योंकि आप एक देखिए कि हरियाणा के अंदर आप लोगों ने कोशिश, कांग्रेस ने कोशिश करी, जवान किसान और पहलवान के ऊपर राजनीति करी जाए, तो उन्होंने तो खर्चा पर्ची पर क्या नाम है हटा कर फेंक दिया। हरियाणा ने कांग्रेस पर्ची का जो ये खर्चा पर्ची का जो इनका करप्शन था उठा के फेंक दिया। तो उनका मॉडल उनको कभी पसंद नहीं आया। मोदी जी का विकास, मोदी जी का विकसित भारत, वही हमेशा से नजर आया है और वही हमेशा से आगे निकल कर जाएगा। तो मुझे जहां पर इस बात से जहां पर आप लोग का अचंबा होगा कि हम लोग जलेबी आ रही जलेबी और उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से यही हमें शुरू से जलेबियां ही खा रहे हैं। और 9 बजे की डिबेट पर बैठने पर ही हमने कह दिया था कि हम हैं, हम नहीं गए कहीं। क्योंकि की बात करूं तो जम्मू में बीजेपी बहुत पीछे चल रही है, जो गठबंधन की सरकार है वो काफी, मुझे लगता है आप शायद अपडेटेड नहीं है, जम्मू में हम बहुत आगे हैं। बीजेपी अभी वहां पे 29 है और एनसी की बात करूं तो 42 से ज्यादा पार है जम्मू में। मैं आप शायद आप भूल रही है, जम्मू में हम आगे हैं और हम लोग आगे रहे हैं और हम लोगों ने जम्मू में हमारा पूरा नहीं, जम्मू में हम लोग रहे हैं। कश्मीर के अंदर मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करके जो दिखाया गया पीडीपी में, पीडीपी खुद कहां खड़ी है? वो तो खुद हार गई है। पीडीपी और शेख अब्दुल्ला वो खुद हार गए हैं, तो कहां पे कोई खड़ा है फारूक अब्दुल्ला? तो वो आप देखिए कि उनका कहीं पर कुछ है ही नहीं नामो निशान। तो आप एक झूठी चीज के ऊपर अपने आप को बनाकर खड़े हैं। आप कर्नाटक, तेलंगाना और आप अगर हिमाचल प्रदेश को देखेंगे तो कांग्रेस बेड़ा गर्क कर देती है एक स्टेट का, क्योंकि वो अपना एटीएम बना के बैठती है और टैक्स रेवेन्यू पेट्रोल डीजल दूध के टैक्सेस पर बनाकर टॉयलेट सीट पर वो इस तरीके से अपने खर्चे पानी निकालती है, क्योंकि फ्री बीज की दुकान कांग्रेस जो अब हुडा के साथ बनकर खड़ी थी, हरियाणा ने उसको ध्वस्त कर दिया है। और हम आज भी नयाब सिंह सहनी जी के साथ खड़ी है और जिनको एंटी इनकम्बेंसी का क्षेत्र कहा था वो 3000 वोटों से आगे। तो मैं जम्मू में भी अगर बात करूं तो बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी, क्या लगता? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी की सरकार बने नहीं बने, हम अपोजिशन में भी बैठकर अपना रोल बहुत अच्छा अदा करेंगे, क्योंकि ये वो पार्टी है जो सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करती। सत्ता के लिए उनको कभी लालच नहीं था, एक आम जनता के लिए काम करती है। हम जनता में रहना चाहते हैं, चाहे वो सत्ता में हो या अपोजिशन में। और कश्मीर का एक लाइफ टू डिग्निटी आर्टिकल 21 के तहत आज कम से कम बच्चों के हाथों में किताब है, लाल चौक पर तिरंगा है, उसकी खुशी हमें ज्यादा है आर्टिकल 370 को हटाकर। आज वोट शेयर जो हमारा बड़ा है और जो वोटिंग पावर एक आम इंसान को मिला है, उसको देखना ज्यादा जरूरी है। रादर हम रहें वहां पर, हम ना रहें, हम लोगों के दिलों में रहते हैं, किताबों में नहीं।